दावा का पाकिस्तानी आतंकी इस्माइल अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। श्रीनगर में हमले में मारे गए यात्रियों को राज्यपाल और सीएम महबूबा ने श्रद्धांजलि दी। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर कल हुए आतंकी हमले में 6 महिला समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले को कायराना हरकत बताते हुए पीड़ितों के लिए संवेदना जताई। राहुल गांधी ने यात्रियों पर हमले को चूक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरनाथ यात्रियों पर हमले की निंदा करते हुए कांवड़ यात्रा के लिए अलर्ट जारी करने की बात कही। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद वाराणसी, हरिद्वार और दिल्ली समेत देश भर में हाई अलर्ट जारी। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्से का माहौल। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने फारूक अहमद डार को मुआवजे पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों को मारने वाले के साथ कैसी सहानुभूति। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती जनसंख्या को खतरा बताते हुए 2023-24 तक खाद्यान्न का संकट होने की आशंका जताई। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को प्रशासनिक प्रमुख बताने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच बनाएगी। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने के लिए विपक्ष की बैठक में जेडीयू से शरद यादव शामिल हुए। विदेश सचिव एस जयशंकर ने दावा किया कि चीन से सीमा विवाद पहले भी रहे हैं और जल्द सुलझा लिए जाएंगे। आईएसआई के चंगुल से मोसुल शहर के आजाद होने के बाद 39 भारतीयों की तलाश के लिए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह खुद इराक रवाना हुए। अमेरिका के मिसिसिपी में सेना के विमान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल विंबलडन के चौथे दौर में हारकर मुकाबले से बाहर हो गए।